हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग नए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने दो क्वेश्चन पिक किए हैं एलजब्रा से और प्रीवियसर में पूछे गए हैं। मैथ सेक्शन में 15 नवंबर 2020 को ये पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे एलजब्रा के। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ 27x plus y की क्यूब माइनस 8x minus y की क्यूब इज इक्वल टू x plus 5y मल्टीप्लाई ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a plus b minus c। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का होगा, यानी कि a minus b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए 27 को हम 3 की क्यूब लिख सकते हैं और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 2 को नहीं 8 को 2 की क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी पावर सेम है, यहां भी सेम है, तो ये अंदर जाएगा 3 की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए 3x plus 3y का क्यूब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2x minus 2y का क्यूब। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा है इससे कंपेयर करेंगे। देखिए इसको ये मान लेते हैं, इसको भी a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए 3x plus 3y minus मल्टीप्लाई होगी तो 2x आएगा और माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा ब्रैकेट। आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी प्लस ab होता है, तो देखिए 3x plus 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x minus 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y। देखिए 3x माइनस 2x होगा तो x आएगा और 3y और 2y होगा तो आपका 5y होगा। राइट हैंड साइड में यही फंक्शन लिखा हुआ है, अब हमको ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है, इसके पैरेलल ही फंक्शन लेके आना जो यहां से आएगा। देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं और इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो आएगा आपका 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 8xy आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 2x में करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा और 3x और 2y की मल्टीप्लाई में होगी तो क्या आएगा माइनस 6xy आएगा, 3y और 2x की होगी तो प्लस 6xy आएगा और 3y और 2y की होगी तो माइनस 6y स्क्वायर आएगा। देखिए x प्लस 5y जो कि पहले से ही है ना, और 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 13 और 6 19x स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर और 4y स्क्वायर कितना आएगा आपका 13y स्क्वायर और माइनस के 6y स्क्वायर होगा तो कितना आएगा प्लस के 7y स्क्वायर आएगा, 18xy यहां पे और देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कट जाएंगे और 18xy में से 8xy जाएंगे तो कितना होगा आपका प्लस का 10xy होगा। देखिए अब इस फंक्शन का अगर हम इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी आपकी 19, b की आएगी 7 और c की आएगी 10। आपसे पूछा है a प्लस b माइनस c, तो 19 प्लस 7 माइनस 10 हो जाएगा, 19 और 7 कितना होगा 26 और माइनस 10 इज इक्वल टू 16 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए गिवन दैट x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां कंडीशन दी हुई है x बड़ा है 0 से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर माइनस 3। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस में नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए x की क्यूब प्लस 1 बाई x की क्यूब निकालने के लिए हमें x प्लस 1 अपॉन x चाहिए, अगर ये a हो तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब का जो कॉन्सेप्ट होता है कि क्यूब माइनस 3a होता है। अब देखिए हमें ये फंक्शन चाहिए और यहाँ a की वैल्यू चाहिए। देखिए जो फंक्शन हमें गिवन है x की पावर 8 माइनस 34 और x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पूरे फंक्शन में से x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। देखिए 4 कॉमन लेंगे, कॉमन होता है डिवाइड एक तरीके से, तो यहाँ x की पावर 4 यहाँ 34 और यहाँ जब 1 में से कुछ कॉमन नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाकर 0 हो जाएगा,
फंक्शन बचेगा आपका x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4, न्यूमेरिकल वैल्यू 34 राइट हैंड साइड जाएगी तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए हम दोनों तरफ 2 लिख लेते हैं एडिंग कर, ये वाला फंक्शन आपका x की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। ये फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है और इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो रहा है 36। यहां से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। फिर से दोनों तरफ 2 ऐड कर लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 2 के में x और 1 बाई x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करेंगे वापस से वो नहीं आ जाएगा। ये फंक्शन x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बन रहा है और 6 और 2 8 होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2√2 आ जाएगी। देखिए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आई 2√2 और यहाँ पे कितना 1, तो यानी कि a की वैल्यू आएगी 2√2। हमें चाहिए x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब, इस फंक्शन में रख देंगे 2√2 की क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 मल्टीप्लाई 2√2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 × 16√2 आ जाएगा। देखिए इस 2 की क्यूब करें तो 8 आएगा और √2 √2 और √2 तीन टाइम होगा तो √2 √2 कितना होगा 2 और 8 × 16√2 आ जाएगा 3 × 2 = 6 आएगा आपका 10√2। आंसर यहाँ भी हो सकता है, फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 × 2 = 10 इस तरीके से 2 अंदर जाएगा तो कितना 4 बन के जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हैं, बाहर आएगा तो फिर से 2 आएगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5√8। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।